दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सोमवार को पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी के फव्वारों का इस्तेमाल करना पड़ा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी और जमकर हंगामा किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। दरअसल पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में ठनी हुई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी। दिल्ली जल बोर्ड के राघव चड्ढा ने सबसे पहले आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार की ओर से 120 मिलियन गैलन कम पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना में पानी की कमी हो गई है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर पानी के मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले रविवार को भी दिल्ली भाजपा ने आप कार्यकर्ताओं पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर हमला करने का आरोप लगाया था। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कुमार ने आरोप लगाया था कि आपके गुंडे ने क्षेत्र के कई घरों को पानी का कनेक्शन काट दिया है।